हाय फ्रेंड्स, इस लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए मेरे न्यूज़ चैनल को, साथ में इस बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप देख सकें वीडियोस सबसे पहले। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस न्यूज़ चैनल यारन न्यूज़ पे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नीरव मोदी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि नीरव मोदी कौन है और क्या है, इसकी फुल डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नई दिल्ली देश के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल में अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया है। खबर के अनुसार बैंक में 11,400 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि खुद बैंक ने इस घोटाले का खुलासा किया है। यह घोटाला मुंबई स्थित बैंक की शाखा से जुड़ा हुआ है। इस घोटाले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम सामने आ रहा है, जो कि जाने माने डायमंड ब्रोकर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 48 वर्षीय नीरव मोदी डायमंड कैपिटल कहे जाने वाले बेल्जियम के एडवर्प शहर की विख्यात डायमंड ब्रोकर कंपनी के परिवार से आते हैं। डायमंड व्यापारी नीरव मोदी में बिजनेस उनके डीएनए में था। उनके पिता भी एक डायमंड व्यापारी थे और वह बेल्जियम में बस गए थे, लेकिन नीरव मोदी ने मुंबई वापस लौटने का फैसला लिया और अपने दोस्त के कहने पर ज्वेलरी डिजाइन करना शुरू किया। पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला सामने आने के बाद से ही नीरव मोदी लगातार सुर्खियों में बने हैं। आरोप है कि इस घोटाले के पीछे नीरव मोदी का ही हाथ है। घोटाले के सामने आने के बाद देश की जानी मानी आभूषण कंपनी गीतांजलि, गिन्नी और नक्षत्र जैसी कंपनियां भी जांच के घेरे में आ गई है। पंजाब नेशनल बैंक ने खुद इस घोटाले की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने $1.77 अरब यानी 1,346 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पकड़ी है और यह मामला वसूली के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसी को भेज रहे हैं। संगीत के जरिए नीरव मोदी लोगों में बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन जब उनके एक दोस्त ने उनसे ज्वेलरी डिजाइन करने को कहा तो उनका पहला डिजाइन काफी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्हें अपने काम में रुचि आने लगी और उन्होंने इस काम को आगे जारी रखा। अपने दोस्त के कहने पर ही उन्होंने पहली इयरिंग को डिजाइन किया, जिसके लिए हीरे व मास्को से लेकर आए थे। नीरव मोदी का ब्रांड एकमात्र ऐसा भारतीय ब्रांड था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी लोकप्रिय है। दुनिया भर के अहम देशों में नीरव मोदी की ज्वेलरी शोरूम है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन, मकाओ आदि शामिल है। उनके सबसे चर्चित डिज़ाइन एटलेस कट, जैस्मिन कट, एनरा कट और मुगल कट अहम है। इस घोटाले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे नीरव मोदी डायमंड के पैसे में शुरू से नहीं जाना जाते थे। वह संगीत के शौकीन हैं और बॉलीवुड के कई सितारों से उनका करीबी नाता है। उनकी कंपनी द्वारा डिजाइन किए गए आभूषण की कीमत 5 लाख रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक है, जिससे बॉलीवुड की तमाम दिग्गज हस्तियां पहनती है। उनके पास महंगी कारों का जखीरा है। उन्हें ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में पहचान हासिल है। उनके ब्रांड को एंड्रिया डिकोनू, रोजी हंटिंगटन जैसी हस्तियाँ प्रमोट करती है। नीरव मोदी द्वारा डिजाइन किया गया नेकलेस 2019 की नीलामी में 16.29 करोड़ रुपए में बिका था, जबकि 2014 में नेकलेस 50 करोड़ रुपए में नीलामी हुआ था। अपने ब्रांड के लिए नीरव मोदी कुछ इस कदर लोकप्रिय हुए हैं कि उनका नाम फोर्ब्स की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी आया। 2017 की लिस्ट में वह 97 नंबर पर थे। उनकी कुल संपत्ति $1.73 अरब यानी 110 अरब रुपए है, जबकि उनकी कंपनी का राजस्व ₹149 अरब है। नीरव मोदी ने जब अपने ब्रांड की 5वीं सालगिरह का आयोजन किया था तो उन्हें काफ़ी आलिशान पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां ने शिरकत थी। यह कार्यक्रम राजस्थान के जोधपुर में उम्मीद भवन में आयोजित किया गया था, जिसे देखकर हर किसी की आँखें चौंधिया गई थी। नीरव मोदी का आलिशान जीवन और बड़े लोगों के बीच उनके उठने बैठने की वजह से उनके खिलाफ किसी ने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मोदी की कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने बताया कि उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह कंपनी के हर काम में खुद को लिप्त रखते थे। वह कर्मचारी की हायरिंग से लेकर एचआर
में इनपुट देने तक का काम करते थे और पूरी तरह से कंपनी के लिए कभी भी सुझाव देने के लिए सक्रिय और उपलब्ध रहते थे। दुनिया के बड़े बड़े देशों में वह व्यापार करते थे और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ वह बिजनेस करते थे। तो दोस्तों आज की न्यूज़ में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज़ को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।